हेलो गाइस, तो मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग नोटिफिकेशन चैनल। तो मैं आज आपको एक मटेरियल बता रहा हूँ। ये टाइटेनियम मटेरियल है ग्रेड 5, और ये मेरे पास एक और है, ये ग्रेड 3 हैगा। तो इन मटेरियल की हम कटिंग की बात अगर करते हैं, तो ये मटेरियल में कट्स कैसे लगाना है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन ग्राइंडर से आप कट लगाओगे तो ये इस टाइप्स के कटिंग होती है। ये देखिए, इसमें कोई फिनिशिंग नहीं आ रही है कट में, ये देखिए। ठीक है, अगर आप एमएस की कटिंग की बात करेंगे तो यहीं पे एमएस का भी मैंने एक पहले से काट के रखा है। तो आप ये देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ये देखिए आप कट्स की, और वहीं पर आप कंपेयर इसकी फिनिशिंग की देखिए, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है। तो ये देखिए आप, और इसकी एक और बात मैं बताता हूँ कि ये जो ग्रेड 5 मटेरियल होता है, इसकी फटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर आप फटिक प्रॉपर्टीज इसकी यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट मटेरियल है, मतलब स्टील से भी अच्छा मटेरियल है। और ये इसको बेंडिंग भी अगर आपको करना है तो ये आसानी से नहीं होगा, थोड़ा आपको इसको मतलब जहाँ बेंड करना है उससे थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे जब वो वहाँ पर आएगा, ये है ना। और एक और इसके बारे में बात बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये ग्रेड 3 है तो इसकी फटिक प्रॉपर्टी ग्रेड 5 से थोड़ी कम होती है। वैसे इसमें बहुत सारी ग्रेड आती है, लेकिन मेरे पास जो सबसे बेस्ट ग्रेड आती है वो ग्रेड 5 ही होता है और ग्रेड 3 भी होता है। एरोस्पेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो इसी से बनाए जाते हैं, इसी कारण वो इतने एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर हम इसकी कटिंग की बात करें तो आप इस फिनिशिंग से ये कटिंग अगर आपको करना है तो ये आप इसको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से कटवा सकते हैं, वाटर जेट से कटवा सकते हैं, और पावर प्रेस कटिंग मशीन से भी आप इसको कटवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हल्की प्लेट है, मतलब ये मेरे पास जो है 3 mm की, अगर आपके पास 1 mm की है या 1 mm से कम है, तो आप इसको ना आयरन काटने वाली कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर से ये कटेगा नहीं। और अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो बहुत समय लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी।